नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अनिताज रूटीन में बहुत 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 स्वागत है आपका। आशा करती एकदम मस्त भले चंगे होंगे। बजरंग बली की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे दोस्तों। और मेरा रूटीन चालू है आज का। अभी सारे कपड़े मैं इधर का उधर सब फैला हुआ था, सब समेट रही हूँ। किधर का किधर सब बच्चे रख दिए हैं और गीले कपड़े भी सूख नहीं रहे हैं। बारिश चालू है मुंबई में, तो मैं गीले कपड़े मशीन में डाल दूँ फिर भी सूखता नहीं अच्छे से, तो फिर बाहर टांगना पड़ता है और बारिश में खिड़की में सारे गीले हो जाते हैं, तो मैं उनको निकाल कर बाहर अपना डाल देती हूँ। दिखा अनमोल जी, मॉल से खुद ही लेके आया है सामान, देखती हूँ क्या कितने का है ये। सही। और चप्पल मत उठाना, मैं मना की थी ना बेटा, क्यों लाता है ये हमेशा। ये डोरीटोस? हाँ। अरे ये मेरे को अच्छा लगता है, दीदी लोग को नहीं। तुमको तो सब चीज अच्छा लगता है, आलतू फालतू चीज जितने भी खाने वाली है ना, तुमको वही सब चीजें अच्छी लगती है। दीदी का ऑर्डर है, मैं सब चीजें मना की थी अनुज तुमको ना। ठीक है, तुझे अभी मॉल नहीं भेजूंगी मैं। हाँ, कुछ भी लाता है कुछ भी खाता है। देखो ये मेरा सामान है, ये तो दीदी ने मंगाया, दीदी को रख के क्या देना। और ये छोटे इलायची और ये चौकोस। चल ठीक है रखो। फिर से भेजूंगी ना माल? नहीं भेजूंगी। और अनुज को अभी भूख लगी थी कभी से, तो आचल ढोकला बना के पहले से ही रखी थी थोड़ा सा, तो उसका जब भी मन करता है तब भी कुछ ना कुछ बना के रख देती है, तो मैं उसके लिए ढोकला दे देती हूँ। उसको तो पसंद नहीं है ज़्यादा, फिर भी एक दो टुकड़ा खा लेगा। उसको भूख लगेगी तो कुछ बाहर का ही चीज़ खोजता है। अभी इतना सारा कुरकुरे लाया और डोरीटोस लाया, सब वही बाहर का खाया। और मैं देर में देखती हूँ खाता है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें जूस डाल दूँगी मैं, जूस बाद में डाल के देती हूँ क्योंकि पड़ा रहता है, नहीं तो ऐसा मज़ा नहीं आता डाल के रख दो तो। और थोड़ा सा बचा है तो उजाला खाएगी, और इसको ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खाएगा, लड़का डर के मारे क्योंकि मैं डांटती हूँ ना। काम हो चला है दोस्तों, और मैं बाल वाल बना लेती हूँ थोड़ा। शाम का काम झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो गया है। अभी शाम का काम में बहुत सारा काम निकलता है, ज़्यादातर काम सुबह से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है शाम का ही काम रहता है। खाना अच्छे से बनाना, झाड़ू पोछा करना और बहुत सारा काम होता है। तो अभी मैं स्टार्ट हो गई हूँ थोड़ा कंघी वंघी करके। अपना मंदिर है तो मंदिर में शाम को दिया जलाती हूँ, तो अभी मैं दिया जलाने के लिए दुपट्टा ले लूँगी सर पे, क्योंकि सर ढकना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए ढक रही हूँ मैं सर। दिया जलाती हूँ शाम को, मंदिर नहीं रखी, मंदिर रखी थी पहले मैं हटा दी, अभी जब घर बनवाई दूसरा टाइल्स वगैरह लगवा दी तब से मैंने इसे अपना एक कड़प्पा मार के उसी पे भगवान का फोटो वोटो रख के देवी माई का, तो उसी पे मैं दिया बाती जला लेती हूँ। और मंदिर मुझे जमा नहीं तो हटा दी थी मैं, तो दिया का काफ़ी ख़त्म हो गया था, मैं ऊपर ही रखती उसका बॉक्स पूरा। दिया जला दी हूँ, जय माता रानी, कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना माता जी। और अभी शाम का कपड़ा था मैं थोड़ा बहुत प्रेस करती हूँ क्योंकि मुझे भी जाना रहता है कहीं, तो तुरंत प्रेस करना पड़ता है, तो इसके लिए पहले से एक दो सेट प्रेस करके रख दूँगी। और इनका भी बहुत सारा कपड़ा था, इनका भी सारा प्रेस करके रख दूँगी ताकि इनको भी परेशानी ना हो। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 बज गए हैं, तो मैं चल रही हूँ खाना बनाने। आज खाने में सोच रही थोड़ा स्पेशल बना दूँ क्योंकि बहुत दिन से फरमाइश थी इनकी। हम औरत लोग में है ही यही कि आदमी जो फरमाइश कह बोले उनका पूरा करो, जो भी खाना पसंद हो उनको बना कर दो। वैसे भी हम लोग दिन भर घर में रहते तो यही सब काम हमारा रहता है कि सब चीज़ों का फरमाइश पूरा करें, बच्चों का उनका। तो फिर उनको बहुत दिन से, जब से मैं गांव से आई थी तभी से आलू का पराठा बोल रहे थे लेकिन अभी तक बनाई नहीं, तो आज सोच रही हूँ आलू का पराठा ही बना दूँ। आलू मैं रख देती हूँ उबलने के लिए क्योंकि ये पहला काम रहता है, आलू उबल जाता है तो ऐसा लगता है आधा काम हो गया। इसके बाद मैं देखती हूँ और क्या करना है। और ये देखिए पूरा किचन ना कुछ हमेशा बच्चे लोग खाते पीते रहते, गंदा करते रहते, कितना भी साफ करो। और फिर अनुज को भूख लगी, खाया नहीं, वो छोड़ दिया। और अभी दूध और चौकोस खाना है उसको, दूध और दे देती हूँ मैं, ये इसीलिए गया था चौकोस लाने कि उसको चौकोस खाना है।
तो मैं इसको चौकोस देती हूँ, उसको बहुत पसंद है दूध के साथ। दूध तो कम खाएगा, चौकोस ज़्यादा खाता है। वैसे सादा दूध पीता ही नहीं है, कभी भी दो तो सादा दूध पिएगा ही नहीं, उसको उल्टी आने लगती है। और ये चौकोस में खाएगा तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध भी पी लेता है, नहीं तो दूध नहीं पीता है लड़का। इतने चौकोस से उसका नहीं होगा, अभी दोबारा आके जरूर लेगा। इतना चौकोस जो दे रही हूँ उसको कम पड़ जाता है। यहाँ के बच्चे में यही सब है ना दोस्तों, गाँव में कितना मज़ा आता है, बच्चे लोग को कुछ भी दे दो बच्चे लोग खा लेते हैं इतने अच्छे से। यहाँ पर दुनिया भर का नाटक ही करते हैं सब लोग, वहाँ पे अचार रोटी दे दो, गुड़ रोटी दे दो, कुछ भी दे दो, बच्चे लोग गजब अच्छे से मज़े से खा भी लेते हैं और अच्छे भी रहते हैं। और अभी मैं चल रही हूँ बनाने, मेरा आलू लगभग उबल गया है। और अभी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा, मेरे घर में घी नहीं खाता कोई, तो मैं तेल में फ्राई करूँगी। मैं बनाने जा रही हूँ सेवई, बहुत दिन से पड़ा था तो इसको मैं आज सोच रही हूँ सेवई भी बना लूँ थोड़ा सा मीठा। तो बनाने जा रही हूँ, और ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था तो मैं देखूँगी इसमें कीड़ा उड़ा तो नहीं पड़ गया, क्योंकि मैं 15-20 दिन के लिए गांव भी गई थी तो इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। एक एक पैकेट सेवई लाती हूँ तो कम से कम 4 बार बनता है, वो भी बचा रहता है अभी। तो इसको मैं क्या करूँगी, तेल में थोड़ा सा मीठा तेल में डाल के भूनूंगी। मेरे घर में कोई भी घी पसंद नहीं है, किसी को घी का स्मेल भी आता है तो उन लोग को खाना नहीं हजम होता, वो लोग खाना खाते ही नहीं है। तो मैं सेवई को अच्छे से तेल में भून लूँगी। फ्रेश था, अच्छा था, कुछ नहीं था उसमें, तो मैं डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई करती हूँ। इलायची, हरी इलायची को क्या करूँगी गिलास में, उससे बीज निकाल के मैं इसको अच्छे से कूट लेती हूँ। बनाने जा रही थी लेकिन अभी धनिया नहीं है घर में, छिलका रहता है उसी में कूट जाता है, तो खाने में जगह जगह रेसे रेसे पड़ते हैं, इसलिए मैं उसका छिलका निकाल के छिलका भी डालती हूँ, लेकिन अच्छा छिलका रहता है। और मौसम एकदम देखिए, बारिश हो रहा है बाहर, मौसम बड़ा अच्छा है, तो आलू का पराठा सोच रही हूँ बनाने के लिए, और थोड़ा मीठे में खीर बनाती हूँ, नहीं तो सेवई बनाऊँगी। उनको बहुत पसंद है, जब से गांव से आई थी तभी से बोल रहे थे कि आलू का पराठा बनाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बनाई, आज बनाने जा रही हूँ मैं। आलू मेरा उबल गया है और थोड़ा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं, गर्म है अभी काफ़ी, तब तक ठंडा होता तब तक इधर मैं देख लेती हूँ। मेरा दूध अच्छे से उबल चुका है और इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी, मीठा मुझे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है सबको, तो थोड़ा ज़्यादा ही मीठा बनाऊँगी मैं। इसमें चीनी डाल देती हूँ और इधर मैंने आलू के छिलका निकाल लिया, तो इसको ग्लास से, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको ग्लास से मैं क्या करूँगी, थोड़ा मैश कर दूँगी, नहीं तो हाथ जल जाता ना इसके लिए,
ग्लास से हम लोग ऐसे करते हैं, ग्लास लोटा कुछ भी कटोरी उससे पाते हैं ना, उसी से दबा देते, मैश हो जाता है अच्छे से। अभी गर्म है और फिर मेरा ये देखिए तो मैं इसमें सेवई डाल देती हूँ, अच्छे से उबाल आ गया था, मेरा सेवई भी फटाफट बन चुका है और मैं वेट कर रही हूँ सिर्फ धनिया का। जब तक धनिया नहीं आता मेरा आलू का पराठा वाला काम रुका है और बाकी मेरा सेवई बन चुका है। और ये देखिए मेरा हो गया बन के, इसको ढक के रख दूँगी अच्छे से। और मैं आटा सान लेती हूँ पराठा बनाने के लिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला दूँगी। ये भी आ गए हैं और क्या बोल रहे थे, जल्दी जल्दी बनाओ गरम गरम पराठा के खाएंगे। तो इनको बोली उजाला तो नहीं लाई, धनिया भूल गई, अब इनको बोली थी देखती हूँ लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अनुज निकाल रहा है सारा चीज, मैं भी लहसुन वसुन छील के सब बैठी थी, कब से वेट कर रही थी, ये मेरे काम का चीज़। बाकी का सब फ्रूट्स वगैरह है, मैं धनिया ले जाती हूँ अपना बनाने, क्योंकि हाथ मुँह धो के बैठ जाएंगे तो इनको तुरंत का तुरंत गरम गरम चाहिए खाने के लिए। और इधर आंचल को कचौड़ी पसंद है तो उसके लिए 8-10 कचौड़ी बना देती हूँ कढ़ाई में अलग से, मेरी कचौड़ी भी हो रही है, उधर मैं पराठा बना रही हूँ और ये गरम गरम बैठ के खा रहे हैं। दोस्तों हम लोग इन लोग के परिवार के चक्कर में अपना ध्यान कभी नहीं देते, इसलिए हम वुमेंस में हड्डियों की कमजोरियाँ, कैल्शियम की कमी, ब्लड की कमी हमेशा होती है। तो महिलाओं से मेरा भाभी दीदी बहन जो भी हैं सबसे अनुरोध